है कि ये बाहुबली साइज होता है कि यहाँ दिल्ली में दो टिक्की दे देते हैं एक प्लेट टिक्की में, लेकिन एक प्लेट टिक्की में इनकी एक ही आती है। ये है आगरा के गोलगप्पे, और आगरा के गोलगप्पों की स्पेशलिटी ये होती है कि आगरा के गोलगप्पे गोल नहीं होते हैं। हाँ, छोटे को राम राम, क्या खाऊं क्या बनाऊं के सफर में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं देख सकते हो आगरा चाट भंडार पे आ रखा हूँ। तो वैशाली में आकर मैं आपको आज आगरा के गोलगप्पे दिखाने वाला हूँ। और आगरा के गोलगप्पे में और दिल्ली के गोलगप्पे में क्या डिफरेंस होता है वो हमारे शर्मा जी बताएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। अभी आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें ना भरी होती हैं, बस भैया लगा ही रहे थे और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरे को लगा क्यों ना जब आगरा की चाट वैशाली में मिल रही है तो एक बार टेस्ट करी जाए। थोड़ी बात करते हैं भैया से, थोड़ा बात करते हैं। एक बार आप ये भी दिखा देना, भल्ले भल्ले रखे हुए हैं ये, और इसके ऊपर शायद काजू रखा हुआ है। हाँ, तो ये पूरी जानकारी अब शर्मा जी से लेंगे और शर्मा जी से बात करेंगे। भाई राम राम। राम राम जी, क्या हाल है भैया? बढ़िया जी। भैया कब से कर रहे हो ये काम आप? हो गया भैया 5-6 साल हो गए। 5-6 साल यही? हाँ जी, इसी ये ठीए पे। आज, इसी ठीए। कुछ आप बता रहे थे कि ये अभी लगा नहीं हुआ है, क्या है कि मार्केट में अभी सफाई अभियान चल रहा है। जी जी, जैसे कि हमारे प्रॉपर जो दुकान लगती थी वो लग नहीं पा रही है, मतलब सबकी। अच्छा, थोड़ा बहुत मतलब अभी क्या है टेम्पलेट टाइप पे लगा रहे हैं। अच्छा, तो ये दिक्कत आपको नहीं? पूरी मार्केट, पूरी मार्केट के लिए। अच्छा, सभी लोगों के लिए। तो भैया क्या है कि आगरा के गोलगप्पे में है कि आगरा के गोलगप्पे लंबे होते हैं। अच्छा, और दिल्ली में और गाजियाबाद में थोड़े गोल टाइप के रहते हैं। गोल गोल होते हैं। जी जी जी, हमारे लंबे और हमारी ये टिक्की है, आलू की टिक्की। हाँ जी हाँ जी, आगरा बोलते से आलू का बल्ला। आलू का बल्ला? बल्ला बल्ला बोलते हैं। और ये क्या है कि यहाँ पे सब प्लेट में दो पीस देते हैं, हमारा प्लेट में एक है। एक ही बहुत ज्यादा वाली साइज है कि बड़ा साइज 50 रुपए का एक, और देसी घी का टिक्की है। अच्छा, देसी घी का टिक्की है 50 रुपए का एक। 50 रुपए का एक। और बल्ले भैया? दही बल्ला ही 50 का एक, सिंगल पीस 50 का। अच्छा, तो कस्टमर भी आ गए हैं वो टेस्ट कर ले। अच्छा, एक बार ये आप दिखाना भैया साइज गोलगप्पे का। अच्छा, लंबा है ये, नॉर्मल गोल वाला नहीं है। तो दोस्तों अब अपना बनवाते हैं और फिर टेस्ट करते हैं, ये कस्टमर अटेंड कर ले फिर अपना लगवाते। कस्टमर वगैरह आ रखे हैं यहाँ पे, है ना, और थोड़ा फुर्सत हो तो अपनी चाट बनवाएं फिर चाट टेस्ट करते हैं। और फिर आप लोग बताना कि वैशाली में अगर आपको आगरा की चाट खानी है तो आप आके खाना चाहोगे कि नहीं। तो अब शर्मा जी हमारे देसी घी की टिक्की तैयार करने जा रहे हैं, और एक ही टिक्की जो है भैया का बताना ये है कि ये बाहुबली साइज होता है कि यहाँ दिल्ली में दो टिक्की दे देते हैं एक प्लेट टिक्की में, लेकिन एक प्लेट टिक्की में इनकी एक ही आती है। एक ही आती है, तो हम वो टिक्की लगवाते हैं और फिर गोलगप्पे टेस्ट करेंगे। पहले टिक्की लगवा लेते हैं। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, क्या प्राइस रखा हुआ है भैया आपने इस टिक्की का? 50 रुपए। 50 रुपए। आगरा में भी भैया अगर हम जाएंगे तो ऐसे ही गोलगप्पे और टिक्की बिल्कुल सेम साइज, सेम यही मिलेगा और टेस्ट भी सेम यही मिलेगा। आप कहाँ हो आगरा से? सदर भैया। अच्छा, इसका थोड़ा स्टफिंग का राज बताओगे भैया क्या क्या होते हैं इसमें? मसाले बढ़ते हैं हम इसमें, मटर है इसमें, वो सारे मसाले इसमें, गर्म मसाले रहते हैं इससे, और आलू मिक्स करके बनाते हैं। ये यहाँ मिलना वैसे मुश्किल है और कहीं ना। तो ये हो गई हमारी देसी घी की होती है भैया, देसी घी की, देसी घी की। तो ये देसी घी की टिक्की हो गई है रेडी दोस्तों, टेस्ट करते हैं इसे। तो टेस्ट कर लेते हैं आगरा की टिक्की वैशाली में, और देखने में इतनी बढ़िया लग रही है ना, ये खाने में तो मजा ही आ जाना है। टिक्की पता है क्यों लिया है? क्योंकि अभिषेक को पसंद है टिक्की। ओहो, ओ भाई, वे भाई, ये तो ऐसी चीज है कि शर्मा जी की दुकान पे घर वालों को लेके आना चाहिए और टेस्ट करवाना चाहिए। नहीं वाकई भाई, मैंने टिक्की काफी जगह खाई लेकिन ऐसी टिक्की नहीं खाई मैंने सच में। ये इतनी
मन ही नहीं कर रहा कि कुछ बोलूं, बस ऐसा लग रहा कि खाता रहूं खाता रहूं। और मेरे ख्याल से एक प्लेट खा के ना पेट भी भर जाना है, तो पहले ऐसे करना, मुझसे तो गलती हो गई लेकिन आप मत करना, पहले यहाँ पे आना, पहले खाना ये आगरा के गोलगप्पे, ठीक है, जो कि मैं बाद में खाऊंगा, फिर खाना इसे, क्योंकि ये खाने के बाद हो सकता है कि गोलगप्पे के लिए भूख कम लगे, और यहाँ आके गोलगप्पे ज़रूर खाना भाई, बहुत टेस्टी है। अब अभिषेक जी भी खा के बताएंगे कैसी है, क्योंकि ये ले ली थी। अभिषेक का क्या रिएक्शन है, अभिषेक जी सच सच बताएंगे बिल्कुल। बहुत बढ़िया बनी है टिक्की भाई, ऐसी टिक्की बढ़िया टेस्ट है, ऐसी टिक्की नहीं खाई, कल भी खाया था पर आज की टेस्टी है। कल कहा बढ़िया टिक्की है, मतलब यहाँ का राधे राधे आगरा चाट भंडार का एड्रेस आप लोगों को बताऊं अगर मैं, तो भैया से पूछते हैं अभी और बताते हैं एड्रेस, और टिक्की वाकई बहुत ही जानदार थी। भल्ले की थोड़ी जानकारी ले लेंगे अभी, ये भल्ले कौन से वाले थे भैया, भल्ले के ऊपर क्या लगा रखा है? ये काजू और चिरौंजी लगे हुए हैं। अच्छा, काजू और चिरौंजी। अच्छा, ये कितने रुपए प्लेट होता है? 50 रुपए का है। ये भी 50 रुपए प्लेट, इसमें भी एक ही पीस आता होगा। अच्छा, और यहाँ पे गर्मा गर्म टिक्की रेडी हो रही है, वो तो हम टाइम से आ गए तो भैया से बात कर पाए और ये सारी चीजें कवर कर पाए, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि रात में आके यहाँ पे फुर्सत मिलती है भैया। रात को शाम की मार्केट है, रात को भीड़ रहती है। अभी स्टार्ट करते जा रहे हैं, अभी स्टार्ट ही कर रहा है। अच्छा अच्छा, ये स्टार्ट करने पे है। अभिषेक जी सच्ची बताओ कैसा लगा? एकदम बढ़िया गदर, एकदम। एड्रेस पूछ लूं भैया से? फिर पूछ लो भैया, एड्रेस बता दो। वैशाली सेक्टर 4 मेन मार्केट गाजियाबाद। और ये क्या है? बेस्ट वन बेकरी के पास, बेस्ट वन बेकरी के बाहर ही है भैया, लगाएंगे और जरूर आए। कितने और अब गोलगप्पे टेस्ट कर लेते हैं। गोलगप्पे और आगरा के गोलगप्पों की स्पेशलिटी ये होती है कि आगरा के गोलगप्पे गोल नहीं होते हैं, क्यों विशाल जी? गोलगप्पे के, आगरा के गोलगप्पे गोल नहीं होते हैं, लंबे होते हैं। मीठा लगाऊं नहीं लगाऊं? भाई ये वाले गोलगप्पे और ज्यादा बेस्ट है, मतलब मेरे को लगता था कि दिल्ली में ही गोलगप्पे बढ़िया होते हैं, लेकिन आगरा की बात कुछ और ही है। अभिषेक जी बताओ, खा लो पहले आराम से खा लो। बहुत बढ़िया, सही। तो ये थी दोस्तों हमारी एक प्यारी सी वीडियो। विशाल शर्मा जी की दुकान पे आगरा चाट भंडार वाले हैं भैया, और बहुत ही बढ़िया लगा। एड्रेस भैया का बता ही दिया है, वैशाली सेक्टर 4 मेन मार्केट के बाहर बेस्ट वन बेक एक शॉप है, उसके बाहर ही भैया लगाते हैं। आइए और टेस्ट करिए, जरूर ट्राई करिए, अल्टीमेट था जो भी, हर चीज़ बहुत बढ़िया। और टिक्की आज तक नहीं खाई ऐसी, किसी दिन रात में आएंगे तो एक ज़रूर एक आपको 30 सेकंड 20 सेकंड का दिखाऊंगा कि क्या सीन रहता है यहाँ का।